नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि भारतवर्ष में जो है वैद्युतिक शक्ति का उत्पादन वो मोस्टली अधिकांश 11 केवी पर ही क्यों किया जाता है। जबकि दोस्तों, आप लोग जानते हो कि भारतवर्ष में जो वैद्युतिक शक्ति का ट्रांसमिशन है, जो पारेषण है, जो संचरण है, वो अधिक मतलब उच्चतम जो है वो 765 केवी पे किया जाता है, या फिर आपने देखा होगा 400 केवी, 220 केवी, तो इतने हाई वोल्टेजेस पे ट्रांसमिशन किया जा रहा है। जबकि उत्पादन जो है वो 11 केवी पर ही कर रहे हैं, उत्पादन अधिकांशतः जो उत्पादन है वो 11 केवी पर। ये कुछ वोल्टेजेस हैं दोस्तों जिनके ऊपर जो है भारतवर्ष में उत्पादन किया जाता है, और ये कुछ ऐसे वोल्टेजेस हैं, ऐसे वोल्टेजेस का लेवल है जिनके ऊपर जो है वैद्युत शक्ति का ट्रांसमिशन किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन है अपना आज का कि उत्पादन 11 केवी पर ही क्यों करते हैं, जबकि ट्रांसमिशन जो है वो 400 केवी या 765 केवी पे कर रहे हैं, उत्पादन 11 केवी पर, तो क्यों ना जो जनरेशन है वो जनरेशन डायरेक्टली 400 केवी पे कर ले, जनरेशन 400 केवी पर क्यों नहीं। आज का क्वेश्चन है कि जो जनरेशन है, उत्पादन है, वो जनरेशन 400 केवी पर क्यों नहीं। तो इसी क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जनरली क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, वास्तविक रीजन क्या है, उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जनरली जो 11 केवी का अल्टरनेटर है दोस्तों, 11 केवी का जो अल्टरनेटर है, ये रियल में सबसे बड़ी सिंगल एसी मशीन है, सबसे बड़ी मशीन क्या है, अल्टरनेटर भी है, और वो भी कितने केवी का दोस्तों, 11 केवी का। अब देखो, यदि हम इसकी साइज को इमेजिन करें, हम यदि इसकी साइज की कल्पना करें, यदि आप लोगों ने नहीं भी देखा तो एक जो अल्टरनेटर है वो लगभग 3-4 मंजिल की जो, जैसे बिल्डिंग होती है ना, 3-4 मंजिल की जो बिल्डिंग होती है, लगभग उस साइज का होता है, 11 केवी का, इतने बड़े आकार, 3-4 मंजिल आप के बराबर जो आकार वाला अल्टरनेटर है उससे 11 केवी पर ही उत्पादन किया जाता है। कितने केवी पे, 11 केवी। अब इमेजिन करो दोस्तों, यदि हमें जो है 400 केवी पे उत्पादन करना हो, 400 केवी पर ये लगभग इससे कितना गुना हो गया, लगभग इससे 40 गुना ज्यादा हो गया, लगभग कितना, 40 गुना ज्यादा। तो दोस्तों, आप सोचो, यही लगभग मान लो सपोज दैट 4 मंजिल के बराबर है, तो इससे 40 गुना, मतलब लगभग आप सोचो कि लगभग 150-200 मंजिला जो इमारत हो, 150-200 मंजिला जो इमारत होगी, उतने बड़े आकार का अल्टरनेटर जो है वो आवश्यक होगा इस 400 केवी वोल्टेज के उत्पादन के लिए। अब आप कल्पना करके देखो दोस्तों, क्या इतना बड़ा अल्टरनेटर, इतना ह्यूज आकार का, इतने बड़े आकार का अल्टरनेटर बनाना संभव है क्या? तो डायरेक्टली आप कहोगे कि सर, इतना बड़े आकार का जो है अल्टरनेटर बनाना संभव नहीं होगा। प्रैक्टिकली मान लो बना भी लिया तो उसको फिर वर्क ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, यही कारण होता है कि जो जनरेशन है वो मोस्टली 11 केवी पर ही किया जाता है, 400 केवी पर उत्पादन जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि 400 केवी का अल्टरनेटर जो है उसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। वी कांट इमेजिन, हम कल्पना ही नहीं कर सकते इतना बड़ा आकार हो जाएगा। तो इतने बड़े आकार का जो अल्टरनेटर है उसको ऑपरेट करना, उसको प्रचालित करना जो है दोस्तों अपने लिए बहुत टफ टास्क हो जाएगा, बहुत ही कठिन कार्य हो जाएगा। यही कारण है कि जो जनरेशन है वैद्युतिक शक्ति का उत्पादन है वो 11 केवी तक सीमित है। बाकी मोस्टली आपने जो बुक्स वगैरह में वहां कहीं मिल जाता है कि जो उत्पादन है वो 1.1 केवी, 3.3 केवी, 6.6 केवी, 11 केवी, 13.2 केवी, 22 केवी या 33 केवी तक किया जा सकता है। 33 केवी तक तो ठीक है, समझ में आती है कि यार हाँ, इतना तो बना सकते हैं, लेकिन ये भी बना नहीं रहे दोस्तों। भारतवर्ष में कोई भी ऐसा अल्टरनेटर नहीं है, ऐसा कोई भी जनरेटिंग पावर प्लांट नहीं है जहां पे 33 केवी पे विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा रहा हो। अधिकतर जो है वो 11 केवी पर ही उत्पादन किया जाता है, उससे ज्यादा जो है लगभग 13.2 केवी पे भी जो है उत्पादन किया जाता है, इससे ज्यादा भी उत्पादन डायरेक्टली हम करना जो है प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो आई होप कि दोस्तों आज के लेक्चर में आपको जो है ये बात समझ में आई होगी कि भारतवर्ष में जो है उत्पादन तो 11 केवी पर ही करते हैं,
और ट्रांसमिशन जो है वो काफी हाई वोल्टेजेस पे करते हैं। तो ट्रांसमिशन हाई वोल्टेजेस पे करते हैं और जनरेशन हाई वोल्टेज पे नहीं कर सकते। इसके पीछे यही कारण है कि जो अल्टरनेटर का आकार है वो इतना बड़ा बनाना पड़ेगा हमें, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।